हाय गाइस, बिकम जीनियस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एरर मैसेज जिसका नाम है यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ये मैसेज अगर आपको बार बार देखने को मिल रहा है जब भी आप अपने लैपटॉप में या फिर पीसी में या कोई यूएसबी पेन ड्राइव या फिर कोई मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो आपको इस तरह का मैसेज अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इस वीडियो में आपको इसका पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तीन मेथड में आपको बताऊँगा। यदि आप कोई यूएसबी डिवाइस लगाते हैं जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया या फिर कोई मेमोरी कार्ड हो गया या फिर कोई पेन ड्राइव हो गई, तब आपको ये मैसेज ज़्यादातर शो कर रहा है, तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं तीन मेथड्स के बारे में। तो देखिए, तीन मेथड्स मैंने यहाँ पे टाइप किए हुए हैं और तीनों मेथड को मैंने प्रॉपरली, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यही मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। क्या क्या आप कैसे कैसे करेंगे वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला मेथड है ये, देखिए पहले मेथड में आपको एक हमें मेन्यू मिलता है, एक फंक्शन मिलता है विंडोज़ में, विंडोज़ पावर सेल के नाम से। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अपडेट ड्राइवर कर सकते हैं या फिर यूएसबी का पावर डिसेबल करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम पहले वाले ऑप्शन को यूज़ करते हैं, विंडोज़ पावर सेल। इसमें हम पहले विंडोज़ पावर सेल का जो हमारे पास मेन्यू हमें मिलता है विंडोज़ में, हम वो रन करेंगे। उसके बाद उसके अंदर एक कमांड चलाएंगे, ये मैंने कमांड यहाँ पे दी हुई, ये वाली कमांड, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करके रखता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है सर्च बॉक्स में और यहाँ पर लिखना है विंडोज़ पावर सेल, ठीक है। विंडोज़ पावर सेल जैसे आप लिखेंगे तो देखिए इस तरह का आइकन आपको देखने को मिलेगा। आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। विंडोज़ पावर सेल कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा और आपको यहाँ पे कमांड लिखनी है, ये वाली, ठीक है, जो मैंने अभी वहाँ पे देखिए टाइप की थी, सेम डबल कमांड हो गई। ये कमांड लिख करके आपको एंटर कर देना है, ठीक है। जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए इस तरह का ये आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपको यहाँ पर देखिए थोड़ी वेट करेंगे आप, थोड़ा वेट करने के बाद देखिए एन अनएक्सेप्टेड एरर हैज अकर्ड, द ट्रबल शूटर विजार्ड कैन नॉट बी कंटिन्यू, ठीक है। तो अभी देखिए ये सोल्व हो चुकी है प्रॉब्लम। अगर आपकी यूएसबी में कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे वो सोल्व हो जाएगी। फर्स्ट मेथड आपका ये हो गया। सेकेंड मेथड है अपडेट ड्राइवर। ड्राइवर को अपडेट करने के लिए आपको यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करना है डिवाइस मैनेजर, ठीक है। जैसे आप डिवाइस मैनेजर लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का आइकन शो होगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करके डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेना है। जैसे आप डिवाइस मैनेजर ओपन करेंगे तो आपके लैपटॉप या फिर आपके सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर्स लगे होंगे सबकी लिस्ट आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी। अभी आपका जो लैपटॉप या फिर पीसी है उसका यूएसबी प्रॉब्लम कर रहा है, यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलता है यूनिवर्सल सर्विस सीरियल बस कंट्रोलर, ठीक है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके जितने भी पोर्ट्स हैं उनके संबंधी यहाँ पे सभी मेन्यूज़ आ जाएंगे। आपको एक एक करके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर भी कर सकते हैं या फिर ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर। हम पहले वाला कर लेते हैं ऊपर की तरफ, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर, और उसके बाद सर्च फॉर अपडेट ड्राइवर ऑन विंडोज़ अपडेट, ठीक है। और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अपडेट ड्राइवर और उसके बाद ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर, आप ये भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो विंडोज़ हैज़ डिटरमाइन दैट बेस्ट ड्राइवर। देखिए अभी मेरे जो यूएसबी के ड्राइवर्स हैं वो अपडेट हैं, अगर आपके सिस्टम के अपडेट नहीं होंगे तो वो अपडेट हो जाएंगे। एक एक करके आपको सभी को अपडेट कर लेना है, ठीक है। दो मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरा मेथड है यूएसबी पावर डिसेबल आपको करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे विंडोज़ के बटन पर जाएंगे और उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सिस्टम के नाम से एक ऑप्शन मिलता है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है पावर एंड स्लीप मोड, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ साइड में देखेंगे एडिशनल पावर सेटिंग, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एडिशनल पावर के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, और यहाँ पे इस तरह की विंडो ओपन होगी और साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा चूज़ व्हेन टू टर्न ऑफ द डिस्प्ले, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे चेंज एडवांस पावर सेटिंग, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरह का ओपन होगा, यहाँ पे आपको यूएसबी सेटिंग को चूज़ करना है। देखिए यूएसबी सेटिंग के सामने एक एक्सप्लोरर का बटन आ रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यूएसबी सिलेक्टिव सस्पेंड सेटिंग, आपको इसको भी एक्सप्लोर करना है।
एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, ऑन बैटरी और प्लग इन, दोनों के दोनों इनेबल है। आपको इनको एक बार डिसेबल करके चेक कर लेना है, आपको यहाँ पे डिसेबल करना है और इसको भी आप एक बार डिसेबल करिएगा, ठीक है। और उसके बाद अप्लाई कर दीजिएगा और अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करके चेक करिएगा आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। तीन मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, आई होप कोई ना कोई मेथड आपके लिए काम जरूर करेगा। अगर आपके आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपके सिस्टम में कौन से मेथड ने काम किया है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अपने इस YouTube चैनल पर इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशनल वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जैसे ही हमारे चैनल पर कोई नया इन्फॉर्मेशनल वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और वीडियो आपसे मिस ना हो।